पुंछ के कनुया सरपंच सरफराज ने आज बात करते हुए बताया कि यहां ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण है बारिश का सारा गंदा पानी पीएचई टैंक के अंदर जाता है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी जिला इंतजामिया से मांग है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जाए। पुंछ से सनी शर्मा की खास रिपोर्ट। बारिश हुई थी जो कल और परसों, उसकी वजह से यहाँ पे पीछे से जो पूरी कॉलोनी का ये ड्रेन बनी हुई है आगे यहाँ तक, उसके आगे ये एक डंपिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये सारा गंदा पानी पीएचई के इस टैंक में जा रहा है जो पब्लिक को पिलाया जा रहा है। काफ़ी बार हमने डिपार्टमेंट से भी अप्रोच की कि इस मसले का कोई हल करें, लेकिन वो इस बात को कोई सुन के राज़ी ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हैं, ये पेशाब वाला पानी पिलाया जा रहा है। जितनी भी पब्लिक है सारी आवाम इस चीज़ के लिए परेशान है, और ये सारे आज इसी मसले में इकट्ठे हुए थे कि हम एक्जिम साहब के पास और डीसी साहब के पास जाएंगे, और इस मसले का कोई, हमारी भी अपील है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। और ये मेन स्टेशन है, ये सिटी के साथ ही है जो ये स्टेशन है इस टाइम कन्हैया में, जिसमें से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है सारा। तो क्या कहेंगे आप आगे? सर, हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस मसले पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए ताकि लोग कोई राहत की सांस ले सकें। सर, कहाँ से आप? यहाँ कन्हैया रहते हैं हम। तो सर, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि पीछे दो तीन दिन से जो बारिश हुई, बिल्कुल गांव में कोई भी सप्लाई नहीं हुई। एन पी एच जी के जो वर्कर्स को उनको बोलो, बोलते हैं स्टेशन के अंदर पानी है, हमने जहाँ पे करंट लगती है वो प्रॉब्लम है, और हमने फोटो भी खींचे हुए हैं यहाँ के, और इतना गंदा पानी जो पीछे कॉलोनी का है, पीछे जो बाथरूम है, दो नाले के बीच में वो पानी भी स्टेशन के अंदर आता है। आपको पता है कितनी बीमारियाँ लगती हैं इस वजह से, और स्टेशन वाले बारिश में इधर आते ही नहीं, वो बोलते हैं अंदर पानी इकट्ठा होता है, हमें परेशानी बनती है। किसी अफसर के पास, सिविल वालों के पास जाए, वो बोलते हैं कि मैकेनिक वालों का काम है, मैकेनिक वालों के पास जाए, वो बोलते हैं सिविल वालों का काम है। ठीक है, हमने इसलिए आपको यहाँ इधर बुलाया था, इधर रखा था, अगर इनकेस नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, हम इधर बंद भी करेंगे, डीसी साहब के पास भी जाएंगे, हमने कल का प्रोग्राम रखा है डीसी साहब के पास भी जाने का। ठीक है, अगर डीसी साहब ने भी नहीं हमारा कुछ नहीं सुना, तो हमने इधर से रोड बंद कर देनी है। का निवासी परसों जो बारिश हुई है उसका पूरा पानी, जब मैं इधर आया पूरा पानी इसके अंदर आ रहा है स्टेशन के अंदर। तो मैं स्टेशन का जो इधर पानी चलाने वाला वर्कर है उसको बताया, बोल रहा है इधर अंदर कीड़े पड़े हुए, बहुत लंबे लंबे कीड़े थे, उसके हमने शॉट भी ली हुई है, शायद आपको भेजी भी होंगी। तो वो पूरा हमारा जो घर पानी गंदा आ रहा था, मैं अपने घर गया और बिल्कुल टैंकियों में इतनी स्मेल है, बताओ हम जियेंगे या मरेंगे, क्या करेंगे? इसलिए इसके अंदर अभी भी आप चेक करो कीड़े होंगे। हम सरकार से यही दरख्वास्त है, डीसी साहब से यही है कि आए और आगे देखें कि आवाम किस लिए रो रही है, आके ठीक करें जगह को, तार बंदी कराएं। जय भारत। और बैठी हुई है, उसकी मैं आँखें खोलना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये 500 फसलों में 500 है, 33 कनाल जाना मतलब महसूस काच रही है। ये मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चिट्ठी भेजी है, मुझे बड़ा दुख है कि सरकारें जो बैठी हैं उनको हम चिट्ठियां भेजते हैं मगर उसका जवाब ही कोई नहीं, इसका कारण क्या है? बोलते हैं ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फलाना अफसर अच्छा है, फलाना डी एच है, फलाना डी सी अच्छा है, फलाना अच्छा है। भाई अच्छा पुना कहाँ है? जब अरबों रुपये की यहाँ संपत्ति बीत चुकी है, ये लोग बाहर से आते हैं, 2-3 लाख रुपये मरला लेते हैं, 8 लाख रुपये मरला बेच रहे हैं, ये पूरी मखसूस गाच रही है। ये देखें आप, जितना भी पानी जा रहा है सब लेटरिंग का पानी आज इस सप्लाई हो रहा है कन्हैया के अंदर। क्या ये लोग बीमार होंगे या ठीक कर रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मोदी साहब
अगर सियासत ना चले तो आपको सियासत करनी चाहिए, चलो भाषणों से सियासत नहीं चलती है, लोगों को बचाना है और नई नई बीमारियाँ फैलेंगी। यहाँ वायरस की बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारियाँ इन वजह से बीमारियाँ आ रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मैंने उनको खसरा नमक लगाकर पूरी रिश्तियाँ की हुई हैं, तकरीबन 50 रिश्तियाँ मैंने की हुई हैं, उसकी जवाबदारी कोई नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है कि सब मिली भक्ति चल रही है, सब नोटों की भक्ति चल रही है, कभी घास रही होती है, कभी मिल्कित बन जाती है। तो मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसकी फौरन कार्रवाई की जाए। मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, डी साहब ईमानदार आदमी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आएँ, यहाँ कल हालात देखें। 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लोग मर्रा लेते हैं, 8 लाख रुपया मर्रा बेचते हैं, क्योंकि उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये संपत्ति हमारी है, इसको हम बेचने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।